हेलो एवरीवन, आपके अपने सेफ्टीज लाइव चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले कंक्रीट सीमेंट मिक्सर सेफ्टी के बारे में। बेसिकली कंक्रीट सीमेंट मिक्सर कंस्ट्रक्शन साइट पर स्मॉल वॉल्यूम कंक्रीट के लिए यूज़ किया जाता है। इस सीमेंट मिक्सर में सीमेंट एग्रीगेट्स यानी कि 10 mm, 20 mm, क्रश सैंड और वाटर मिक्स किया जाता है और उसी से वहाँ पर कंक्रीट बनता है और यही कंक्रीट कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज़ किया जाता है। पर कंक्रीट सीमेंट मिक्सर यूज़ करते वक्त बहुत से हज़ार के साथ आपको सामना करना पड़ेगा। तो वो कौन से हज़ार्स आपको वहाँ पर देखने मिलेंगे और आपको वहाँ पर कौन से प्रिकॉशंस वहाँ पर लेनी है उसके बारे में भी हम वीडियो में जानने वाले। तो अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम देखेंगे हज़ार्स के बारे में। तो फर्स्ट हज़ार है विदाउट वर्क परमिट वर्क स्टार्ट करना, देन सेकेंड विदाउट सुपरविजन वहाँ पर वर्क स्टार्ट होना, देन थर्ड हज़ार सीमेंट मिक्सर को जो रोटेटिंग ड्रम होता है उस रोटेटिंग ड्रम में बॉडी का कोई भी पार्ट आने की संभावना होती है, देन फोर्थ हज़ार रोटेटिंग ड्रम के अंदर जितने भी इंटरनल ब्लेड्स रहते हैं वहाँ पर भी बॉडी का कोई भी पार्ट आके फंस सकता है, तो वो भी एक मेन हज़ार्ड है, देन फिफ्थ हज़ार रोटेटिंग मिक्सर को वहाँ पर एक बेल्ट होता है और वहाँ पर बेल्ट के वजह से लूज क्लोथ अगर किसी वर्कर ने पहना होगा तो वहाँ पर वो कपड़ा बेल्ट में आके फंस सकता है, तो वो भी एक मेन हज़ार्ड है, देन सिक्स हज़ार्ड ड्राई सीमेंट डस्ट के वजह से वहाँ पर ब्रेथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ पर वर्कर को ब्रेथिंग रिलेटेड इश्यूज वहाँ पर हो सकते हैं, देन सेवन्थ हज़ार ड्राई सीमेंट डस्ट के वजह से वहाँ पर आइज इंजरी होने की भी संभावना होती है, देन एट हज़ार वेट सीमेंट डस्ट के वजह से स्किन इश्यूज भी होने के चांसेस ज़्यादातर होते हैं, देन नाइन्थ हज़ार वहाँ पर मशीन का आवाज़ बहुत होने के कारण वहाँ पर नॉइज हज़ार भी हो सकता है, देन टेंथ हज़ार वाइब्रेशन हज़ार भी वहाँ पर अवेलेबल होता है, देन इलेवेंथ हज़ार वर्क स्टार्ट विदाउट हार्ड बैरिकेशन यानी कि वहाँ पर हार्ड बैरिकेशन के अलावा अगर आपने वहाँ पर काम स्टार्ट किया हो तो वो एक मेन हज़ार्ड है, यानी कि वहाँ पर अनऑथोराइज एंट्री होने की संभावना ज़्यादातर होती है, देन ट्वेल्थ हज़ार वर्क स्टार्ट विदाउट पीपी। तो अभी हम देखेंगे प्रिकॉशंस के बारे में। कंक्रीट सीमेंट मिक्सर स्टार्ट करने से पहले वर्क परमिट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, देन सेकेंड कंक्रीट सीमेंट मिक्सर वहाँ पर कॉम्पिटेंट ऑपरेटर को ही यूज़ करने देना है, देन थर्ड कॉम्पिटेंट ऑपरेटर का कॉम्पिटेंसी मैपिंग फॉर्म फिलअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के बाद ही उसको ज्वाइन करना है, देन फोर्थ प्रिकॉशन कंक्रीट सीमेंट मिक्सर स्टार्ट या यूज करने से पहले वहाँ पर हार्ड बैरिकेशन सराउंडिंग एरिया में ज़रूर होना चाहिए, देन फिफ्थ प्रिकॉशन वहाँ पर रोटेटिंग पार्ट होने के कारण सेफ्टी गार्ड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, देन सिक्स प्रिकॉशन हमेशा वर्करों को लूज क्लोथ पहन के वहाँ पर काम करने को देना नहीं है क्योंकि वहाँ पर रोटेटिंग पार्ट्स होने के कारण लूज क्लोथ वहाँ पर रोटेटिंग पार्ट्स में आके फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वर्करों को लूज क्लोथ पहनने देना नहीं है और वैसे आपको वर्करों को ट्रेन करना है, देन सेवन प्रिकॉशन हमेशा कॉम्पिटेंट ऑपरेटर को मैंडेटरी पीपी एज वेल एज टास्क बेस्ड पीपी प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, देन एट्थ प्रिकॉशन कंक्रीट मिक्सर मंथली वहाँ पर इंस्पेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ पर इंस्पेक्शन टैग अटैच होना बहुत ज़रूरी है, देन नाइन्थ प्रिकॉशन हमेशा कंक्रीट सीमेंट मिक्सर जब भी वर्किंग मोड में है वहाँ पर व्हील चोक्स अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, देन टेंथ प्रिकॉशन कंक्रीट सीमेंट मिक्सर जब भी कॉम्पिटेंट ऑपरेटर वहाँ पर यूज़ कर रहा हो तभी स्टैंड बाय सुपरविजन सुपरवाइजर के द्वारा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने इस वीडियो में कंक्रीट सीमेंट मिक्सर के हज़ार्ड्स और प्रिकॉशंस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ली है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।